वेलकम टू क्यूरियस एंड किचन। तो आज मैं बनाऊंगी चाइनीज भेल। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। मैंने ये नूडल्स लिया है। सबसे पहले मैं इसे बॉईल कर लूंगी 80% के करीब और इसे ठंडा कर लूंगी। उसके बाद मैंने कुछ लंबे टुकड़ों में कटा हुआ एक शिमला मिर्च लिया है, एक गाजर लिया है, ये भी मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, और थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है। तो चलिए ये नूडल्स को पहले बॉईल कर लेते हैं। आपका नूडल्स लिया है मोटा वाला, आप भी जब भेल बनाना हो तो आप ऐसे ही मोटा नूडल्स लेना। हमारा पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं इसमें नूडल्स डाल दूंगी और इसे पका लूंगी। नूडल्स बॉईल हो गया है, ये देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से बॉईल करना है। अब मैं इसे छन्नी में छान दूंगी। इसके ऊपर से अब मैं ठंडा पानी डालूंगी, आप आइस वाटर भी डाल सकते हो। जब तक हमारा ये नूडल्स सूखता है तब तक मैं क्या करती हूँ कि इसके लिए सेजवान सॉस तैयार कर लेती हूँ। सेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े लहसुन, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसे चॉप्ड कर लिया है, और टेस्ट के अनुसार मैं नमक डालूंगी, 1/2 चम्मच चीनी डालूंगी, 5-6 मैंने गोल मिर्च लिया है उसे क्रश कर लिया है, 1 चम्मच के करीब नींबू का रस, और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है, और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। अब मैं इसमें चॉप किए हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी। ये ज्यादा भूनना नहीं है, बस लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो कच्चापन है उसे निकाल देना है। अब मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, क्रश की हुई गोल मिर्च और 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल दूंगी। ये होम मेड सेजवान सॉस आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसे चाइनीज भेल में डालोगे। तो अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। पानी ज्यादा नहीं डालना है, बस एक छोटी कटोरी इस कटोरी से डालना है। ज्यादा डालोगे तो फिर आपको कॉर्नफ्लोर मिलाना पड़ेगा और फिर उसे फिर पकाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला है, अंदाज से ही पानी डालना है। और इतने में आप कम से कम 2 से 3 बार चाइनीज भेल बना सकते हो इतने सॉस में। अब मैं इसमें नींबू का जूस डाल दूंगी और चीनी डाल दूंगी। चीनी देना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठा और थोड़ा तीखा टेस्ट के लिए आप आधा से ज्यादा या थोड़ा कम भी डाल सकते हो, आपको जितना पसंद हो। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चीनी डालने से, और बस इसे थोड़ा पका लेना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही पकाना है। और घर का बना हुआ बहुत ही अच्छा होता है ये सॉस, और इस चाइनीज भेल का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारा सेजवान सॉस बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे एक छोटे बॉल में निकाल लेती हूँ। वायल अब गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं नूडल्स डाल दूंगी। गर्म वायल में ही नूडल्स को डालना है, तब जाके ये क्रिस्पी होगा। आप इसी तरह थोड़े थोड़े करके आप नूडल्स डाल के उसे फ्राई कर लो। अभी ये वनी है, अभी ये और होगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि जो मोटा वाला नूडल्स है वही लेना है। अब इसे पलट देना है, देखो इस तरीके से, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है फ्रेंड्स। कुछ करना भी नहीं होता है, सिर्फ बॉइल करो
ठंडा करो, ठंडा पानी डाल के उसके बाद इसे फ्राई कर लो। और आप इसे किसी जार में भी भर के आप रख सकते हो। और आराम से जब चाइनीज ग्रिल खाने का मन हो आप निकालो और आराम से बना लो। एक बार बनने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं एक बार फ्राई होने। जब इस पे थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए तभी निकालना है। देखो थोड़ा और मैं इसे गोल्डन कर देती हूँ पलट के, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है ना मजे की बात। आपने घर में सॉस भी बना लिया, ये क्रिस्पी भेल भी बन गया। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सारे निकाल लूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालना। ये हमारा भेल बनके तैयार है। देखो कितना क्रिस्पी बना है ये। ये जो मैंने वेजिटेबल्स काटे थे अब उसे एक चम्मच ऑयल में मैं इसे डाल के थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर दूंगी। हमारा अब सब कुछ बनके तैयार है। अब मैं इसे क्रश कर लेती हूँ नूडल्स को इस तरीके से। और आप चाहो तो ये ज्यादा भी बना के रख सकते हो किसी कंटेनर में या जार में, और जब आपका मन करे आप निकालो और वेजिटेबल मिक्स करो और आराम से बैठ के एंजॉय करो चाइनीज भेल का। अब आप इसमें ये वेजिटेबल्स मिला लो। अब इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल दो। अब इसमें आप जो सेजवान सॉस बनाया था वो डाल दो 1 चम्मच के करीब। ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो लगेगा कि सिर्फ सॉस ही खा रहे हैं और ये जो है भेल तो है ही नहीं। तो इसमें अब कुछ नहीं डालना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद कर रहे हो तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें आप कुछ भी नहीं डालोगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सारी कमी जो है ना वो आपकी सेजवान सॉस जो है वो पूरी करेगी। इस तरह मिला लेना है और इसकी मेल्टिंग कर लेना है। ये हमारा चाइनीज भेल बन के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। आप इसे बनाओ, खाओ, एंजॉय करो और मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।